अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड हैप्पी। अभी मैंने कुछ जो एंटरटेनमेंट पोर्टल्स हैं उनमें तीन आउटफिट्स हैं जिनको उनके हिसाब से उनको बेस्ट ड्रेस्ड और मास्टरपीस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा का उन्होंने उनको टाइटल दिया, और वो तीन डिज़ाइंस जो हैं वो बाय अहमद बनान, जो कि एक नए डिज़ाइनर हैं जिनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इस वक्त 570 हैं, और उन्होंने कुछ चार पांच BTS लगाए हैं इन्हीं कपड़ों की डिज़ाइनिंग करते हुए। और मैं हैरान परेशान हूँ कि उनमें से एक जो लड़के का आउटफिट है वो एक नंगा तड़ंगा सा बुस्टियर है, और उसके बाद उसने एक छोटी सी बुलेरो जैकेट पहनी हुई है, और फिर एक बड़ा सा टेंट नुमा जो है उसने पजामा है, और उसने लिपस्टिक लगाई है, बड़ा सिडक्टिव सा एक्सप्रेशन है और पोज है उसका, मतलब कम ऑन। और बाकी जो दो ड्रेसेस हैं मैंने अपनी पोस्ट के साथ लगाए हैं, प्लीज़ देख लें यार, आप लोग किस किस्म के कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख ही चुके हैं कि अदाकारा मिशी खान पाकिस्तान के हालिया ट्रेंड से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और उनका कहना है कि हमारे फैशन डिज़ाइनर्स और फैशन इंडस्ट्री को क्या हो गया है कि इस तरह के बेहुदा और बोल्ड ड्रेसेस डिज़ाइन कर रहे हैं, जबकि साथ ही साथ इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी अदाकाराएँ इस कदर बेहुदा और बोल्ड ड्रेस को पहनकर इन ड्रेसेस को प्रमोट कर रही हैं और सबको ये पैगाम दे रही हैं कि वो भी इस तरह के ड्रेसेस पहने। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुछ दिन कबल होने वाले हम स्टाइल अवार्ड में पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के तमाम मशहूर अदाकाराओं ने इंतहा ही बेहुदा और बोल्ड ड्रेसेस पहने, और सब ने ही इन अदाकाराओं को क्रिटिसाइज़ किया। ख़ास तौर पर आयमा बेग को तो काफ़ी ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ किया गया, और सब ने कहना शुरू कर दिया कि आयमा बेग तो इंडिया की उर्फी जुवेद लग रही है, जबकि दूसरी जानब हानिया आमिर की डिसेंट ड्रेसिंग को सब ने बेहद लाइक किया क्योंकि हानिया आमिर बहुत ज़्यादा ही डिसेंट नज़र आ रही थी। आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है, आपको वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।